दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मोटिव जो है, नई वाली सैलरी आपको दिख रही होगी यहाँ पे, इस वीडियो को बनाने का मोटिव यही है कि सबसे वैल्यू फॉर मनी, अगर आप सैलरी हो, नई वाली सैलरी जो न्यू जनरेशन है, सिर्फ यही गाड़ी लेना चाहते हैं, तो भाई आपको इसी वेरिएंट के लिए जाना चाहिए जो हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करने वाले हैं। आगे आपको और भी रीजंस पता चलेंगे कि क्या क्या वो रीजंस है कि आपको इसी वेरिएंट के लिए जाना चाहिए, बट ओवरऑल मैं आपको बता देता हूँ, ये है ZXi वेरिएंट और इससे नीचे आता है अपना VXi वेरिएंट, और दोनों में भाई बहुत फर्क है इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अगर आप अमाउंट देखते हैं जो एक्स शोरूम प्राइस है। तो अपना जो VXi वेरिएंट है वो आपको पड़ता है लगभग 5,63,000 एक्स शोरूम, एग्जैक्ट है, ऑल ओवर इंडिया आपको यही प्राइस मिलेगा एक्स शोरूम का। RT और इंश्योरेंस में थोड़ा डिफरेंस हो सकता है, एंड अगर आप VXi वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, लेकिन अगर आप ZXi वेरिएंट में जाते हैं तो आपको बहुत से फीचर्स मिल जाएंगे, और प्राइस डिफरेंस जो है वो सिर्फ 31,000 का है, क्योंकि ये आपको ZXi वेरिएंट सैलरी का पड़ता है 5,94,000 का। तो वीडियो पूरी देखिएगा, डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचिएगा कि हाँ कहीं ना कहीं एक्चुअल में आपको किस वेरिएंट के लिए जाना चाहिए, क्योंकि भाई अगर हम डिफरेंस देखें फीचर्स में और प्राइस में तो ये वेरिएंट निकल के आता है मारुति सिलेरियो का सबसे वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट। तो बने रही वीडियो में और पूरी एंड तक देखिएगा। अगर भाई आप नई सिलेरियो लेने की सोच रहे हैं, नई वाली सिलेरियो जो अभी आई है, नई जनरेशन ये अगर लेने की सोच रहे हैं, तो जो आज हम वेरिएंट एक्सप्लोर करने वाले हैं भाई, आपको इसी वेरिएंट के लिए जाना चाहिए। अगर इससे नीचे वाले वेरिएंट के लिए आप अगर जाते हैं तो भाई कहीं ना कहीं नुकसान में ही रहेंगे, चाहे आप वैल्यू फॉर मनी लगा लीजिए या आप फीचर्स वाइज लगा लीजिए, किसी भी तरह एटलीस्ट आपको भाई इस वेरिएंट पे एटलीस्ट जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको सैलरियो ही लेनी है, हालांकि भाई जो इस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है, जितने पे आपको ये ऑन रोड मिलेगी वहाँ पे आपको और ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपका मन है भाई सैलरियो लेने, क्योंकि पेट्रोल में इसका माइलेज काफ़ी अच्छा क्लेम कर रहा है मारुति, इसका जल्द ही लाइफ टाइम ओनरशिप रिव्यू, लाइव ओनरशिप रिव्यू, जो कि एक ओनर है जो उनको अराउंड 20-25 days हो गए हैं गाड़ी लिए हुए, अराउंड 15-20 days बेसिकली, तो उनका भी रिव्यू जल्दी आने वाला है चैनल पे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि एक्चुअल में गाड़ी कितना माइलेज दे रही है, क्योंकि पेट्रोल में ही गाड़ी आ रही है और 26 किलोमीटर पर लीटर का मारुति क्लेम कर रहा है इसका माइलेज। तो भाई अगर इसके थोड़ा बहुत भी आसपास मारुति पहुंच जाता है, सैलरियो पहुंच जाती है, तो भाई कहीं ना कहीं काबिले तारीफ काम होगा। हालांकि पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल पेट्रोल भाई 100 अराउंड 100 जा रहा है, थोड़ी सी राहत मिली थी दिवाली पे, लेकिन भाई इतना भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है, आई थिंक अराउंड 195-198 के आसपास है, बट स्टिल अगर आप पेट्रोल में अच्छा मारे जा रहे हैं, और क्या है भाई ऑडियंस की अपनी पसंद होती है, बहुत लोगों को ना पसंद है गाड़ी इसके डिज़ाइन की वजह से, लेकिन कुछ लोगों को पसंद भी है, तो उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है। ZXi मैं क्यों कह रहा हूँ ये वेरिएंट लेने की, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक बार फ्रंट से दिखा देता हूँ, आपको एक्चुअल फ़र्क जो फील होगा वो इंटीरियर में पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको नीचे फॉग लैंप मिल जाते हैं, यहाँ पे हैलोजन हेडलैम्प इंडिकेटर का सेटअप मिल जाता है, क्रोम फिनिश और सुजुकी की बैजिंग मिल जाती है। ये है हमारे सामने ZXi वेरिएंट। इसमें भाई एक चीज़ बता दूं, अगर आप फॉग लैंप देख के ये समझ रहे कि मारुति की तरफ से है, तो नहीं, ये एडिशनल एसेसरीज में जो शोरूम है उन्होंने पहले ही इसमें एड ऑन एसेसरीज में लगाए हुए हैं, तो ZXi में भी आपको फॉग लैंप नहीं मिलते हैं, लेकिन आप इनको एड ऑन करा सकते हो। इनका कितना कॉस्टिंग है भाई फॉग लैंप का एसेसरीज में, लगभग ओके और भाई आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर एड ऑन एसेसरीज में आप ये कंपनी से मारुति से फॉग लैंप लगवाते हो जेन्युइन एसेसरीज से, तो आपको अराउंड 4,000 की कॉस्ट इनकी पड़ जाती है, तो 4,000 एक्स्ट्रा देके आप फॉग लैंप के साथ फ्रंट का लुक एक तरह से पूरा हो जाता है, बिना फॉग लैंप गाड़ी थोड़ा सा बेस मॉडल टाइप लगती है। हाँ, यहाँ पे आपको भाई ये ORVM में यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर मिल जाते हैं। अब एक बार आपको मैं स्पेसिंग दिखा देता हूँ गाड़ी की, ऐसे कुछ गाड़ी की भाई वह स्पेसिंग, और फिर इंटीरियर में अच्छे से बात करेंगे। यहाँ पे इस तरह से ये गाड़ी की पीछे स्पेसिंग है ये भाई, तो स्पेस के मामले में ठीक है, गाड़ी को थोड़ा पिछली सैलरियो से स्पेस में थोड़ा बढ़ोतरी ही है, और ये ऐसा कुछ इसका बूट स्पेस है। तो भाई ये बूट स्पेस है, ये आप में इसमें आपको पार्शल ट्रे मिल जाती है, पीछे डीफोगर आपको मिल जाते हैं, रियर वाइपर मिल जाता है आपको, कैमरा वगैरह पीछे कुछ भी नहीं मिलता, बीच में सुजुकी की बैजिंग है, यहाँ पे सैलरियो लिखा हुआ है, तो ऐसा कुछ बैक से गाड़ी का लुक आता है। अब प्रॉपरली इंटीरियर में बात करते हैं, जो इस वीडियो का बनाने का मेन मोटिव है। तो भाई यहाँ पे आपको दोनों की मिल जाती हैं सेंट्रल लॉकिंग के साथ, तो ये आपको ZXi वेरिएंट में मिल जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ये भाई थोड़ा सा मतलब डल फिनिश है, बट ठीक है, यहाँ पे डोर हैंडल है, यहाँ पे ग्रैब होल्डर है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर मिल जाता है भाई ठीक ठाक सा, यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ इंटीरियर लुक है भाई। एक बार अब अंदर चल के शांति से बात करते हैं। ये भाई हम गाड़ी कर लेते हैं बंद, तो
तो भाई यहाँ से बात करें, यहाँ पे आपको लाइट कंट्रोल मिल जाता है, एसी वेंट मिल जाता है, एसी वेंट पे आपको प्लास्टिक ग्लोसी फिनिश मिल जाता है, ऐसा कुछ सर स्पीडोमीटर है, चाबी लगा के भी दिखाएंगे भाई आपको। और यहाँ पे ये इसका हैंडल है, यहाँ पे वॉल्यूम अप एंड डाउन और मीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं ओनली, और बाकी कॉल कनेक्टिविटी वाले सारे कंट्रोल्स आपको मिलते हैं ZXi प्लस वेरिएंट में। और यहाँ पे ये भाई इसका स्टीरियो है, और ये आपको पार्किंग हज़ार लाइट, पार्किंग लाइट, यहाँ पे एसी कंट्रोल, ये सब आपको VXi, ZXi, ZXi प्लस में ये सारी चीज़ें सेम मिलती है ये कंसोल। लेकिन भाई पॉइंट क्या है, LXi और VXi वेरिएंट में आपको स्टीरियो नहीं मिलता, VXi तक भी आपको स्टीरियो नहीं मिलेगा गाड़ी में। तो भाई इसीलिए मैं कह रहा था, यही पॉइंट था वीडियो बनाने का, कि आपको जो है VXi वेरिएंट भी देके आपको यहाँ पे स्टीरियो नहीं मिलेगा। अब इस गाड़ी के प्राइस की बात करेंगे, यहाँ पे आपको मैनुअल गियर, आपको गियर नॉब पे काम किया है मारुति ने भाई, वैगनार और पुरानी सिलेरियो से काफ़ी सही है गियर नॉब। यहाँ पे आपको हैंड ब्रेक मिल जाता है, ऐसा कुछ स्पेस है, यहाँ पे दो कप होल्डर आपको मिल जाते हैं, यहाँ पे जगह मिल जाती है, एक 12 वोल्ट का चार्जर और USB पॉइंट नहीं मिलता है यहाँ पे आपको आगे। तो भाई जो बात मैं कह रहा था कि आप LXi में, नॉर्मल सी बात है, बेस वेरिएंट में नहीं आती है स्टीरियो वगैरह, लेकिन भाई VXi में भी आपको स्टीरियो नहीं मिलता है। यहाँ पे ZXi आप ये मान लीजिए सेकंड टॉप मॉडल में आपको 2D स्टीरियो मिलता है, ये भी स्क्रीन वगैरह नहीं है। अगर आपको स्क्रीन चाहिए, यहाँ पे सारे कंट्रोल चाहिए, एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले वो सारी चीज़ें चाहिए, तो आपको फिर उसके लिए भाई ZXi प्लस पे जाना पड़ेगा, वो ZXi प्लस में ही आपको फीचर्स मिलेंगे। तो ये भाई पूरा इंटीरियर आपको दिख रहा होगा गाड़ी का, और आप भाई VXi में, आप दे LXi VXi में ये पूरा पैनल खाली आएगा, आपको अलग से स्टीरियो लगवाना पड़ेगा। तो इससे बेटर है आप ZXi वेरिएंट के ले जाएं, और यही पॉइंट था। और इसका भाई जो एक्सशोरूम प्राइस है वो है 5,94,000 इस वाले वेरिएंट का, ZXi का। और भाई एक चीज़ और बता देता हूँ, 1 जनवरी से मारुति की गाड़ियों के प्राइस बढ़ रहे हैं, अराउंड 10,000 से 20,000 के बीच में प्राइस का इंक्रीमेंट होगा ऑलमोस्ट हर वेरिएंट पे। तो भाई उससे अगर आप एक्चुअल में आपको गाड़ी लेनी है तो आप अपनी बुक करा सकते हैं, 2021 मैन्युफैक्चरिंग आपको मिलेगी गाड़ी। अभी एक बार भाई यहाँ पे ये चाबी है, एक बार ये चाबी लगा के आपको और दिखा देते हैं। तो ये भाई हमने चाबी लगा दी है यहाँ पे, और ये देखिए ये इसका कुछ स्पीडोमीटर आता है कंसोल। ये भाई आपको इसी वेरिएंट में आपको ऐसा मिलता है, आपको LXi VXi वेरिएंट में आपको ये सिंपल मिलेगा, जिसे कहते हैं ना वो, मतलब सिर्फ ये स्पीडोमीटर मिलेगा आपको, यहाँ पे ये वाली MID और ये कंट्रोल नहीं देखने को मिलेंगे, जो कि और थोड़ा कॉस्ट कटिंग को दिखाता है मारुति की तरफ से। यहाँ पे आपको लो फ्यूल इंडिकेटर और सारे जो मीडिया कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक ठाक फिनिश है इसकी, ठीक लग रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बट और भाई इनका AC वेंट की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी की है मारुति की तरफ से, यहाँ पे जो वैगनार से तो काफ़ी बढ़िया है AC प्लेसमेंट, और AC की क्वालिटी भी ठीक है, मतलब इतना कुछ इसमें कहने वाली बात नहीं है। बाकी आपको लाइट का वाइपर यहाँ पे चल गया मुझसे, तो इसको मैं कर देता हूँ भाई, शोरूम वाले कहीं ये ना कहते भाई क्या गाड़ी धो रहे हो। तो भाई ये लाइट का थ्रो यहाँ पे तो दिख नहीं पाएगा, बट आपको लाइट की यहाँ पे शेप दिख रही होगा आगे, तो भाई ऐसी कुछ आपकी गाड़ी लगेगी नाइट में अगर आप देख पा रहे हो तो। ये देखिए, तो भाई यहाँ पे तो थोड़ा ठीक लुक लग रहा है लाइटों के हिसाब से, तो थोड़ा एग्रेसिव सा, बट इतना एग्रेसिव लुक है नहीं मारुति सिलेरियो का। यहाँ पे ये आपको लाइट मिल जाती है, यहाँ पे ये आपको बैक मिरर मिल जाता है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है ZXi वेरिएंट में। एंड भाई ऐसा कुछ ये है गाड़ी का अपना इंटीरियर, ऐसा कुछ इसका ग्लव बॉक्स है भाई, ये आपको दिख रहा होगा ग्लव बैग, यहाँ पे आपको SRS एयरबैग की बैजिंग मिल जाती है हैंडल पे, और यहाँ पे भाई हॉर्न तो यहाँ पे बजाना ठीक नहीं रहेगा। तो भाई ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई है भाई, एटलीस्ट ये वाले वेरिएंट पे जरूर जाइए अगर आप सिलेरियो लेने की सोच रहे हैं। बाकी भाई आपके पास अलग अलग ऑप्शंस भी मिल जाते हैं 6 लाख के बजट में, 6 लाख एक्सशोरूम में, ये आपको लगभग आई थिंक 6.5-6.75 तक की गाड़ी आपको पड़ने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। हाँ।